विधानसभा निरस्त हो गई, कांग्रेसियों के चेहरे पर मुस्कान आए। सोचा समझा था यही होना था, इस बात से आश्वस्त थे। शोभा जी, विधानसभा निरस्त हो गई, सब सोची समझी स्ट्रेटेजी के तहत हुआ? देखिए, सोची समझी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। आप से पूछना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश को भूल जाइए, महाराष्ट्र, केरला, छत्तीसगढ़, तमाम विधानसभाएं स्थगित क्यों हुई? आज देश में कोरोना का इतना डर है, एक महामारी का रूप ले चुकी है हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में। और आरएसएस की खुद की मीटिंग बैंगलोर में स्थगित हो गई। तो तमाम जगह जहां बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे वो सिनेमाघर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, तमाम को बंद किया जा रहा है। और हमारे विधायकों के स्वास्थ्य की चिंता हमें है। अभी घूम के आ रहे हैं सब दिल्ली विल्ली, जहाँ कोरोना बहुत फैला हुआ है। तो ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हम कोई भी निर्णय लें। शोभा जी, कहा जा रहा था कि कोरोना का की बैसाखी मिली है अभी कांग्रेस को, क्योंकि कमलनाथ जी की सरकार जो है अभी कहा जा रहा था बैसाखियों पर है, क्योंकि निर्दलीय और कई अन्य दलों के विधायकों के सहारे ये सरकार चल रही है, और अभी जो डगमगाया हुआ तख्त था उस पर सहारा कोरोना का मिला है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हमारे पास बहुमत है। आप याद करिए, पहली बार जब ये क्राइसिस शुरू हुई और आदरणीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर साहब से मिलने गए, लिखित में उन्होंने दिया है कि मैं फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमें बहुमत हमारे साथ है। हाथ के पंजे पे जीते हुए 114 विधायक हैं, उसमें से आप अगवा करके ले जाते हो, 22 को बंधक बना के बैंगलोर में रखते हो। आप कहते हो उन्हें रिजिग्नेशन दे दिया, उनका रिजिग्नेशन बीजेपी का नेता ला के गवर्नर को देता है। पर आपको डर किस बात का? अगर आप कह रहे हैं कि वो विधायक रिजाइन कर चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, तो आप उन्हें क्यों नहीं आने दे रहे? आप एक विधायक के पिता को उससे मिलने नहीं देते? आप विधायकों के अलग अलग वीडियो रोज बना के आप सोशल मीडिया में और मीडिया में डालते हो। अरे, जो बंधक है उसको पीछे से बंदूक अड़ा के कोई भी कुछ भी करा सकता है, इतने भोले तो हम हैं नहीं। और लोकतंत्र की इस तरह से धज्जियाँ, जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने में महारत बीजेपी ने पाली है, और हमने देखा हरियाणा में पहले ऐसी सरकार गिराई थी, महाराष्ट्र में क्या करा, गोवा में क्या करा, तब कर्नाटक में क्या करा, सब दूर हमने देखा कि जब जनता बीजेपी को नकारती है तो बीजेपी एन केन प्रकार सत्ता में आने के लिए कुछ भी हथकंडे अपनाती है। पर वो याद रखें, यहाँ कमलनाथ जी की सरकार है। कमलनाथ जी, मेरा क्वेश्चन यही था कि कमलनाथ जी एक बहुत सीनियर लीडर हैं। कमलनाथ जी को कहा जाता था कि संजय गांधी के बेहद नज़दीकी रहे हैं, और इंदिरा गांधी जी अपना बेटा मानती आई हैं संजय कमलनाथ जी को। तो कमलनाथ जी कहीं ना कहीं से उनके अंदर डीएनए जो है ना, इंदिरा गांधी की जो स्ट्रेटेजी है, जो कांग्रेस चलाने का तरीका है, जो सरकार चलाने का तरीका है, वो उस पर चल रहे हैं। तो उस पर जानना चाहूँगी कि कमलनाथ जी की स्ट्रेटेजी कुछ थोड़ी समझ में आती है कि क्या करने वाले हैं। देखिए, कमलनाथ जी इतने परिपक्व इस देश के बड़े नेता हैं, जिन्होंने, मैं समझती हूँ, जितना लोगों का पॉलिटिकल करियर नहीं, मतलब जितनी उम्र नहीं, उससे ज़्यादा कमलनाथ जी का पॉलिटिकल करियर है। और इंदिरा जी जैसी शख्सियत के साथ काम कर चुके हैं, और मैं मानती हूँ कि इस देश में कमलनाथ जी और शरद पवार दो ऐसे नेता हैं जिनको पटकनी देना बहुत मुश्किल है। कमलनाथ जी इतने माहिर नेता हैं, लेकिन महाराज कैसे हाथ से खिसक गए, वो जानना चाहते हैं। देखिए, कई कारण हैं इसमें, राजनीतिक कारण कम, और मैं समझती हूँ निजी स्वार्थ और मॉनेटरी इश्यूज ज़्यादा हैं, जो कि सुनने में आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिसको लेके निजी स्वार्थ के चलते सिंधिया जी ने कांग्रेस की पार्टी छोड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें क्या नहीं दिया, 18 साल की उनके पॉलिटिकल करियर में 17 साल वो लोकसभा सदस्य रहे, इस बार हारे तो खुद की गलतियों से हारे वो। साथ ही जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, CWC जो शीर्ष बॉडी है कांग्रेस की, उसके मेंबर है। मैं उनको चैलेंज देती हूँ कि वो बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड जो उनका शीर्ष बॉडी है उसमें स्थान पाले, नहीं। उनको तो जाति साथ वहाँ अपमान मिला, जो बीजेपी जब वो कांग्रेस में थे उन्हें गद्दार बुलाती थी, जब वो बीजेपी में गए तो विभीषण हो गए। तो कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में बहुत फर्क है। बीजेपी में कई नेता गए पहले भी, पर आज वो कहाँ हैं? वो खुद के उनके नेता देख लो, आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी, कहाँ हैं? जिन्होंने सींची अपने खून पसीने से बीजेपी, आज वो कहाँ हैं? तो सिंधिया जी को क्या मिल जाएगा?
अच्छा, अभी अपन इस वक्त की बात करें, जो 16 विधायक आप कह रहे हो कि वो अगवा करके ले गए हैं और बंदूक की नोक पर हो सकता है वीडियो जारी करवा रहे हों, सारी चीज़ें मानने को तैयार हैं, लेकिन चूंकि वो आपके MLAs हैं तो उनको वापस लाने की आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या कोई लीगल एक्शन आप लोग ले रहे हैं? देखिए, 16 और बाकी कुल मिला के 22 विधायक हैं। निश्चित ही ये पार्टी कांग्रेस पार्टी के झंडे तले जीवन इन्हें बिताया है। इन्होंने, इनकी क्षेत्र की जनता कार्यकर्ता कांग्रेसी हैं जिन्होंने 15 साल संघर्ष करके इनको जिताया है, विधायक बनाए, तो उनकी कई अपेक्षाएं इनके साथ हैं। फूल पे तो नहीं जीते थे ना, ये पंजे पे जीते थे और आज भी ये पंजे के हैं, पर जिस तरह से इनको बंधक बनाया गया है, कोई इनसे मिल नहीं पा रहा, इनके परिवारजन नहीं मिल पा रहे, उनसे कहलवाया जा रहा है वीडियो पे कि हमारे परिवारजन हमारे लिए निर्णय नहीं लेंगे। ऐसा कब होता है कि एक बेटा हमारे यहाँ कहे कि मेरा बाप मेरे लिए निर्णय नहीं लेगा? तो ये सब समझ आ रहा है क्या चल रहा है। निश्चित ही कांग्रेस पार्टी हर संभव प्रयास करेगी कि इनको मुक्त कराया जाए। एक चीज़ और कही जा रही है कि फ्लोर टेस्ट कराने के मूड में कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं है और मध्यवर्ती चुनाव चाहे भले ही हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, संभावना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश को वैसा ही आर्थिक रूप से कंगाल करके बीजेपी की सरकार, शिवराज सिंह की सरकार गई हुई थी, हम सब के सर पे कर्जे हैं। ऐसे में एक और चुनाव इस प्रदेश पे बहुत भारी पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारे विधायक मुक्त हों, तो उसके बाद संख्या की तो कोई हमारे में कमी है ही नहीं, बहुमत तो हमारे पास है, बस उनको बंधक बना के रखा हुआ, उनको मुक्त कर दें, उन्हें विधानसभा में आने दें, कोई क्राइसिस है ही नहीं। अच्छा, जो 6 विधायक का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, अगर वो आ जाते हैं और फिर से कहते हैं कि हमको अपना लो या जो भी गलतियां हुई हैं उनको माफ़ कर दिया जाए, तो उसकी गुंजाइश कहीं कांग्रेस ने छोड़ी है? देखिए, वो उस मामले में वो कांग्रेस के बाहर की बात हो गई। वो आदरणीय जो स्पीकर है महोदय, उनके हाथ में वो मसला है। कानून के तहत कोई भी सरकार चलती है और हम खासतौर पे कांग्रेस पार्टी इस देश की लोकतंत्र को, इस देश के कानून को मानते हैं, तो कानून के तहत जो भी होगा उस और स्पीकर निर्णय लेंगे। आज 16 मार्च थी और पूरे देश की नज़रें टिकी हुई थी कि क्या होगा विधानसभा में। लोगों को बहुत संशय था कि ये सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, कमल होगा या कमलनाथ होगा। अभी फिलहाल कमलनाथ है और बीजेपी हार नहीं मानने को तैयार है, वो भी प्रयास कर रही है। कमलनाथ ने भी हार नहीं मानी है, सरकार यथावत है, अभी कुछ कहा फिर भी नहीं जा सकता। ये हमारे साथ शोभा ओझा जी थी, कांग्रेस प्रवक्ता, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से बताया कि कांग्रेस हार नहीं मानेगी और 5 साल जमकर सरकार चलाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।